हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ शास्त्री पार्क की तरफ, और नया जो एक्सप्रेसवे बन रहा है देहरादून दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे, उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो अभी हम गांधीनगर मार्केट के अपोजिट हैं और यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का इतना प्रोग्रेस हो चुका है। और ये साइड लेन है, मतलब कि जो ट्रैफिक होगा जो आसपास जाने वाला है वो नीचे से जाएगा और ऊपर की तरफ ये जो है हमारा फ्लाईओवर बने हुए हैं इसके ऊपर से जाएगा, और ये सीधा अक्षरधाम पे फ्लाईओवर पे जाके मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, जब ये बन जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। पिल्लर का जो मेन काम था ना, पिल्लर दलने का, वो काम हो गया है हमारा, क्योंकि सबसे मेन काम वही होता है पिल्लर दलने का। पिल्लर दल जाते तो बाकी काम तो आसान होता है तब भी करना। देखो पिल्लर दल गए और साइड में हमारे वो पड़े हुए हैं ऊपर जो इनके दलेंगे। आगे कंटिन्यू ही है शास्त्री पार्क तक, कंटिन्यू ऐसी है जो हमारा मेट्रो स्टेशन है शास्त्री पार्क तक, ऐसी ही कंस्ट्रक्शन है। रास्ता कहाँ से है? पता तो दिया रास्ता है भी यहाँ से, भाई मोड़नी पड़ेगी। रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे रास्ता बंद है, हमें बैक करनी पड़ेगी। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे रास्ता बंद है भाई। बंद काम तेरे खराब नहीं है, कितने वाले काम करते हैं। पीछे कर ले एक बार, पीछे कर ले जाता। तो उधर रास्ता बंद था, तो अभी हम घुमा के शास्त्री पार्क के इधर को आ गए हैं, साइड से निकाल रहे हैं। वैसे हम नीचे से जाना चाहिए ना, हमें वो भी बताइयो नीचे से रास्ता है नीचे से देखने। हाँ अबे यार रुक जा कानू, तो ये आ गए हम शास्त्री पार्क। भाई उधर का सीधे जो रास्ता जाता था मुर्गा मार्केट को, वो बंद हो गया है जो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन को जाता था, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देख लो दोनों तरफ यहाँ पे पिल्लर लगे हुए हैं, और पिल्लर जो दलने का काम था ना, जो मेन चीज़ है, पिल्लर दलने का काम हो चुका है। पहले बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि पिल्लर ही नहीं दले हुए थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कीचड़ कीचड़ ज़्यादा हो रही थी। अब क्या मेन काम हो चुका है हमारा, फाउंडेशन हो गया ना। हाँ फाउंडेशन ही मेन होता है, फाउंडेशन हो गया तो बाकी काम आसान होता है। देखो यहाँ पे ऑटो किधर को भी चलता है भाई, हॉर्न देता रहे बस। रोड बहुत खतरनाक हो, देख रहा कोई भी किधर को भी चल रहा है, यहाँ पे सारे रॉन्ग वे चल रहे हैं। कानू वो देखो, कानू देखो, देखो सामने देखो, वो देखो, वो वाव गोपी यहाँ पे एक फोटो ले लियो। देखो ये क्या है, इतना बड़ा पाइप, देखो यहाँ पे फोटो ले लियो गोपी, वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी साइड से। यहाँ विंडो बंद कर दी जैसे मर्जी, विंडो खोल के मत लियो भाई फालतू में, पता लगे। ओ भाई किसी के ऊपर गिर गया पिल्लर, ये कौन है भाई, भाई वो पिल्लर गिर गया किसी के ऊपर, वो देख यहाँ पे। हाँ किसी के सर पे पिल्लर गिर गया। तो भाई यहाँ पे रिस्की भी है आजकल सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो बंदे कैसे चला रहे हैं, कोई भी किधर को भी चला रहा है, तो इससे क्या होता है जो काम करने वाले हैं ना वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब देखो वो ऊपर काम कर रहे हैं और नीचे इतना ट्रैफिक जा रहा है,
गलती से एक गलती भी होगी ना, और ये गार्डर पूरे खुले और ऊपर को देख सकते हैं आप। अभी उधर वो ऐसा ही हो रखा था, किसी के सर पे गिर गया मुझे लग रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक का मेन चीज़ है ना कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, ये देख रहे हो कोई भी किधर को भी चल रहा है, तो इससे भी ज़्यादा रिस्क रहता है। अरे वाह, अब तो यहाँ पे सर्दियों में धूप ही नहीं आएगी और गर्मियों में भी नहीं आएगी धूप नीचे रोड पे। हाँ तो अच्छी बात है ना, और बारिश भी नहीं आएगी नीचे रोड पे। अबे यहाँ किसी ने रहना थोड़ी है, रहना नहीं है लेकिन तब भी मगर रेड लाइट। हाँ बट ये शेल्टर हो जाएगा। हाँ कि और आजकल तो कंसेप्ट आ रहे हैं कि जो भी ऐसे फ्लाईओवर होते हैं ना उनके नीचे छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड या कुछ वॉलीबॉल वहाँ मिलेगा। यहाँ पे लोगों की भीड़ देख रहे हैं तो रॉन्ग वे आ रहे हैं, यहाँ पे वो दूसरी जगह है भाई। बॉम्बे में जो भी फ्लाईओवर है ना काफी उसके अच्छे, मतलब इतना ज्यादा अच्छे बना दिया नीचे प्लेग्राउंड खेलने वाला, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कहाँ बनेगा, जगह भी तो होनी चाहिए उसके लिए। हाँ, चौराहे पे बनता है वो, ये तो अभी रोड चल रही है। हाँ ये तो मेन रोड है, यहाँ पे नीचे से देखो कितने बंदे जा रहे हैं। बट रियली बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो लगता है बीच में रेलिंग भी होनी चाहिए जैसे ये आ रहे हैं ना। ऑन करा भी है तो भाई ये देख लो कुछ ऐसी हालत है। और साइड में देखो ऊंट भी है, दिख रहा उधर ऊंट भी है, देखो कैमल कानू कैमल कैमल जमाई ले रहा है। देखिए ये पिलर पिलर में देखिए आप सरिये क्या डेंसिटी होती है इसकी, कितने खतरनाक तरीके से। हाँ कितने मोटे सरिये सरिये भाई, ये देखो सामने यहाँ पे जो एक पिलर लगा हुआ है इतने में हमारे नॉर्मल पूरा मकान बन जाता है, इतना खर्चा आएगा भाई इसके सरिये और जो लैंटर है। क्योंकि यार इतना ज्यादा हैवी व्हीकल्स भी जाएंगे ना ऊपर से, बसें ट्रक, फिर इसका टोल भी लगेगा तगड़ा वाला। लेकिन यार वो सही है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा रहता होगा क्योंकि कितने सारे अर्थक्वेक आएंगे दिल्ली में, दो तीन तो आ ही जाते हैं। एक पिलर ने पूरा का पूरा संभाला हुआ है वो रोड, देख रहे हो कैसे संभाला। माय गॉड माय गॉड, एक पिलर पे पूरा वेट है, सही बोल रहे हो। और ये सारे लटक भी ऊपर से, इतने सारे बैंडिंग स्ट्रेस लगते हैं इनमें, बड़ा डेंजरस है यहाँ पे, देखते रहिए भाई। भाई रुक, सॉरी गाइस, सॉरी बट इट इज नेसेसरी कंसीडरिंग द रोड ट्रैफिक यहाँ पे ऐसे, ये गंदे ट्रैफिक की वजह से ये ड्राइवर बहुत ज्यादा बेवकूफ है यहाँ पे। हाँ यही तो बात है, वो देखो वो देख रहा था एमसीडी वाला वो कि रोड पे आ रहा है ट्रैफिक लेकिन वो रुकेगा नहीं, जबकि इतने हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं फिर भी पेशेंस नाम की चीज नहीं है लोगों में। हाँ तो आराम से चलना चाहिए भाई यहाँ पे, क्योंकि इतने हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं भाई, हम तो आराम से चलेंगे क्योंकि अभी तुमने पीछे एक्सीडेंट देखा ही, देखो यहाँ पे कूड़ा साफ करने वाली मशीन भी चल रही है। सही सही, मुझे लग रहा है ये रोड भी चौड़ा होगा पूरा वहाँ तक, ये जमुना का काम भी चल रहा है यहाँ पे, बस साफ पानी साफ करेंगे आगे उधर का, क्लीन वाटर के लिए भी चल रहा है प्रोसेस। गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हालात देख के लग रहा है कि अगले कुछ महीने तक तो इसे अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी गिर सकता है ऊपर से। अभी पूरा जोरों शोरों से चल रहा है काम, और रियली बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। सोचो इंडिया में उनके कितना फायदा है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, ये यमुना बिहार के आसपास का इलाका है, तो ये एशिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना कितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये चल रहा है काम, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। कर दो ना भाई स्टार्ट, देखो भाई कितने सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। ओह माय गॉड यू कैन सी, और ये देखो ये उल्टे रास्ते पे जो चलते हैं ना बंदे, यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है पता है, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स उल्टा चलने से ही होता है। जो गलत लाइन में हम चलाते हैं, ये देखो कैसे मोड़ दिया एकदम से, ये पहले ट्रैफिक को नहीं देखेंगे, फिर उसके बाद अगर लग जाएगी तो फिर उसके बाद रोने लगेंगे, या फिर यार खत्म ही हो जाती है लाइफ, तो लाइफ दो सेकंड की तो होती है। यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इलोन मस्क की ऑटोमेटिक कार है वो यहाँ पे चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो भाई बिल्कुल चल नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट मारुति की कार्स है, क्योंकि मारुति कार पेट्रोल एवरेज भी अच्छा देती है और साथ के साथ क्या करती है,
और लाइट वेट भी होती है ना, इकोनॉमिकल रहती है, इकोनॉमिकल रहती है, तो यहाँ पे इतना ब्रेकिंग क्लच यूज होता है और रफ एंड टफ जैसे मर्जी यूज करो, सर्विसिंग पार्ट्स मिल जाएंगे आपको बड़ी आसानी से, तो लाइफ थोड़ा सा इजी रहेगी। और बाकी बात करते हैं ऑटोमेटिक कार्स की, तो इंसान अपने आप में इतना एडवांस रोबोट है तो वही यहाँ पे चल सकता है, नॉट एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, अब हमें यहाँ से राइट को जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मेन रोड था ये बंद हो चुका है, यहाँ पे दोनों तरफ पिलर है देख सकते हो और बीच में पेड़ भी है। याद है तुम्हें ये रोड यहाँ से यूं करके हल्का सा मुड़ते थे? अब यहाँ पे पूरा का पूरा, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हुआ करता था, ऑफिस तो शायद तोड़ दिया है सारा वो। कितने मोटे मोटे सर यहाँ पे, ये देखो कितनी हैवी मशीन है ये, इसके टायर देखो इतने मोटे भाई, 4x4 है ये ऑब्वियसली यार, 4x4 ही करना पड़ेगा। और देख सकते हैं ये पिलर्स की हाइट, सुभान अल्लाह, ये दो दो फ्लोर के पिलर है भाई साहब भाई, क्योंकि वो वाले जो फ्लाईओवर है ना उसके ऊपर से जा रहा है ये फ्लाईओवर भाई, इतना खतरनाक बन रहा है ना ये, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है ना, जो आगे जो फ्लाईओवर दिख रहा होगा आपको मेन रोड पे, उसके ऊपर से जाएगा ये वाला फ्लाईओवर। दिस इज ह्यूमंगस सीरियसली मैन। और यहाँ पे अगर आप थक जाओ तो नारियल पानी भी पी लो सीरियसली। यहाँ पे बल्कि तीन तीन फ्लाईओवर बन रहे हैं भाई, एक इधर छोटा वाला बन रहा है, एक ऊपर भी बनेगा बड़ा वाला, क्योंकि ये फालतू ही होगा। ये मशीन्स देखो भाई, क्या तगड़ी मशीन है भाई, भाई इसमें नीचे भी शॉकर्स लगे हुए हैं और ये जो फ्लाईओवर है ना, इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाना वाला है ये जो फ्लाईओवर नया बन रहा है मैन, खतरनाक। अभी यहाँ पे चल रहा है इस जो वो होता है पिलर्स का काम चल रहा है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये पिलर्स अभी बने नहीं है, ये पिलर्स बन जाएंगे तो ऊपर ये पिलर सारे स्टॉक में रखे हुए हैं बैकअप में, ये सारे एक वन बाय वन लगेंगे। एक्चुअली यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन ही चलता है पिलर्स का, तो ये पिलर्स बनेंगे नहीं, ये पिलर्स बन गए हैं, बन गए हैं फिर इनको इंस्टॉल करेंगे ना। एक्चुअली ये बेसिकली रोड है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, माय गॉड घर आने वाला है, कानू को चिप्स खिलाएंगे अभी हम। और ये सामने फ्लाईओवर है ना, इसके ऊपर से जाएगा ये फ्लाईओवर, सोचो कुल मिला के बहुत महंगा सौदा है, कितने इसमें मिलियंस बिलियंस डॉलर्स लग गए होंगे आप देख सकते हैं इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पे जा रहा है। एक्चुअली ये वर्थ है हमारे से, जो कॉमन मैन से जो टैक्स लिया जाता है, सिविल्स अपने आप में बहुत ये तो गाड़ी है, करामात चीज है। ये जो रोड बन रहा है इसके ऊपर मेट्रो भी चलेगी और रोड भी बनेगा, यहाँ पे दो है इकट्ठे। देखिए गाइस ये खजूरी का एरिया है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर हुआ करता है जिसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, इसी के पैरेलल में हम देख सकते हैं मेट्रो का ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अब अवेलेबल रहेगा कॉमन लोगों के लिए। और यहाँ पे ना एक और चीज़ है, मेट्रो के साथ ना यहाँ पे रोड भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, मेट्रो प्लस रोड दोनों। माय गॉड, यानी दो फ्लाईओवर हो जाएंगे। हाँ ये अपने आप में, एक्चुअली मुझे तो अपने आप में कंफ्यूजन है क्या क्या होने वाला है, पर जो भी हो रहा है इट्स लाइक टू मच। देखो यहाँ पे पिलर भी रख दिए मेट्रो के ऊपर, जो है प्लेटफॉर्म रख दिए, तो यहाँ पे भी रॉन्ग वे जा रहे हैं ये लोग, तो ये बहुत गलत बात है, ये रॉन्ग वे जो जा रहे हैं ना, तो 5 सेकंड का टाइम बचाने के लिए अपना यहाँ से हम राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को भजनपुरा और राइट हैंड साइड को खजूरी की तरफ, लेकिन अभी हमें आपको कंस्ट्रक्शन दिखाना है तो हम खजूरी की तरफ से जा रहे हैं। वैसे हम ये वाला रास्ता जो है प्रीफर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये सेफ नहीं है। अभी आपको दिखाया था आपने जैसे कि एक्सीडेंट हो गया था, तो वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये मेट्रो का पूरा ये कनेक्ट होगा सीधा मजलिस पार्क, और ये क्वाड्रिलेटर क्रिएट कर रहे हैं दिल्ली को चारों तरफ से घेर रहे हैं मेट्रो से प्लस फ्लाईओवर से, ताकि जितने भी ट्रैफिक होता है ना जो कॉर्नर्स के दिल्ली कॉर्नर्स में वो ना हो। सेंट्रल दिल्ली तो तब भी सही है, उतना ट्रैफिक नहीं रहता, लेकिन दिल्ली के कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी माना कि रोड की हालत ख़राब है तो हम थोड़ा सह लेंगे इस चीज़ को थोड़े दिन के लिए, लेकिन
ऊपर फ्लाईओवर के नीचे रोड के, मतलब ऊपर मेट्रो के नीचे रोड के। एक पिलर में दो पिलर है? हाँ, एक ही में दो रोड, एक नीचे वाले में रोड बनेगा, ऊपर वाले में मेट्रो। बट यार इतना हाइट सफिशिएंट है क्या व्हीकल के निकलने के लिए, जितना हाइट का डिफरेंस है? लोअर हाइट व्हीकल जाएंगे ना, इतना तो बहुत ज्यादा है, वो हमें लग रहा है नीचे देख के। नाक लगा दी। अच्छा अच्छा, मतलब बस निकल जाएगी उसमें से, बस ट्रक। अब यहाँ से हम यहाँ पे मंडोला विहार का बोर्ड है, यहाँ से सीधा ये सहारनपुर को जाता है रोड, यहाँ से हैवी व्हीकल्स भी जाते हैं। जब वो वाला रास्ता बंद हो गया था, जब किसान आंदोलन हुआ था, तो उस वक्त जो करनाल के थ्रू जो सारा ट्रैफिक जाता था वो यहीं से डाइवर्ट हो गया था, और यहाँ तो उसी को मद्देनजर देखते हुए ये रोड का कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं अब दिल्ली। और एक्चुअली वो इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है उस रोड पे, तो वाई नॉट ये जो पैरेलल लाइन है इसी को इतना ज्यादा हैवीली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अब, कि ट्रैफिक जो है एटलीस्ट 50-50% बढ़ जाए, बिकॉज उस रोड पे बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है जाम की वजह से। तो आने वाले दिनों में लाइफ थोड़ा सा ईजी होने वाली है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड सिटी एरिया है, वो काफ़ी एरिया के लिए कॉमन रोड हो जाता था वहाँ से करनाल की तरफ से। देखो अभी पिलर डल गए हैं ये, बस अभी ये बस ऊपर से कंस्ट्रक्ट करने बाकी हैं, और आगे आगे से करना स्टार्ट कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली यहाँ पे जो हैवीली काम हो रहा था वो एकदम जो बेस होता है पिलर्स का, उनको काफ़ी डेप्थ तक रखा गया है, क्योंकि अंटिल अनलेस आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता तो कुछ भी हैवी कंस्ट्रक्शन करना बहुत खतरा होता है उसमें। तो इसी वजह से ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी यहाँ पे, बट यहाँ पे अब लग रहा है रिलेटिवली कि अच्छा खासा जो मैग्नीट्यूड है काम का वो हो चुका है। रियली बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और एक्चुअली ये आपको बता दूँ तो ये वाला जो इसको पुस्ता रोड बोलते हैं, जब यमुना में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो पानी इसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो एरिया है यहाँ तक भी पहुँच जाता है। तो ये काइंड ऑफ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको शिव विहार बोलते हैं, वो पानी से बचा रहता है जब बाढ़ वाला टाइम होता है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, सारी की सारी घेर के बना रखी है, देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पे। ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है क्योंकि यहाँ पे यमुना का पानी आ जाता है, तो ये वैसे ही घेर के बना रखी है। और ये पूरा का पूरा ये देखिए यहाँ पे जो है ये घास फूस हुई है, ये पानी की वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज यहाँ पे जब पानी आता है तो इतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है, पूरे साल भर हरियाली रहती है। अभी आपको नजदीक से दिखाएंगे क्योंकि आगे जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है वो नीचे से बिल्कुल पानी के बगल से ही आया, यमुना के बगल से। बट उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखा ही होगा। आपको ऐसा लगेगा कि समुद्र के किनारे चल रहे हो, इतना बढ़िया लगता है वहाँ पे, बस थोड़ी सी बदबू आती है वो सहल है, उसे एडजस्ट कर लेना। लेकिन वीडियो में आपको कोई बदबू नहीं आएगी, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और देखिए यहाँ पे पार्क कितना शानदार पार्क बन रहा है, आई एम सो अमेज्ड टू सी दिस। बट यहाँ कॉमन पीपल की एंट्री नहीं है यहाँ पे, शायद है। तो फिर यहीं पे आएंगे हम पिकनिक मनाने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। आपको चिप्स दिलाएंगे, चिप्स यहाँ पे नहीं है, कोई नॉर्मल लोगों की एंट्री, ठीक है, यहाँ पे नहीं है भाई, नहीं है, तभी तो साफ है। सॉरी गाइस, कोई एंट्री नहीं है, जूत हो जाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स, वो ये आ गया मस्ताना पार्क। और यहाँ पे देखो इंडियन ऑयल का छोटा सा टैंक भी नजर आ रहा है, शायद डिफेंस की गाड़ियों के लिए है। ये पार्क में भी नहीं, क्योंकि यहाँ बेचारे जो एंट्रेंस देने के लिए आते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है, तो बहुत दौड़ा दौड़ा के उनकी वाट लगाई जाती है। 100 में से क्या 5 बच्चे निकलते होंगे मुश्किल से। ये नीचे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है रोड का, पहले कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, शायद ये एक स्लिप रोड की तरह रहेगा, हो सकता है ये डेडिकेटेड हो। मेन रोड ये रहेगा और नीचे वाला दिस इज द पार्क, यहाँ आते लोग। अच्छा, यही उछल कूद मचाई थी तूने। तो गाइज ये पार्क है, और ये थोड़ा सा घना पार्क है, थोड़ा डर तो लग रहा है देख के। रात को लूट भी लेते हैं, रात को लूट भी लेते हैं, कीकड़ ही कीकड़ है, बट स्टिल ये ग्रीन है तो वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड एनवायरनमेंट हेयर। बेचारे थोड़ा सा कार्बन तो एब्जॉर्ब कर ही लेंगे। दिल्ली पुलिस का ये रास्ता यहाँ से पूरा डाइवर्ट हो गया, इतनी सारी भैंसे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिल्ली रीजन में भैंसे, भाई साहब भैंसे आज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर ये नहीं होंगी तो दूध कैसे पियेंगे हम, और दूध नहीं पियेंगे तो हड्डियों में जान कैसे आएगी, कैल्शियम कैसे मिलेगा हमको। देखा कानून ने भैंस देखी, भाई साहब अब कानून को चिप्स खाने हैं।
नाउ दिस इज वजीराबाद दिल्ली CAPF SAP दिस इज अगेन सम एंट्री टू डिफेंस है कोई बैठा हुआ नहीं यहां पे ओके यहां पे हम आप कुछ लेना चाहते हैं भुजिया भुजिया माय गॉड ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये फ्रेंड्स देखिए यमुना का पानी है मैं सोच रहा था ये ठंडी ठंडी हवा कहां से आ रही है शायद इसका इफेक्ट है कल कुछ बारिश भी हुई थी शायद उसका पानी भी इकट्ठा हो गया होगा बट ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की देखिए कितना शानदार लग रहा है इतने पीहड़ इलाके में पानी जब आप देख लो तो मजा ही आ जाता है और इट कैन बी अ वेरी गुड झील आल्सो माय गॉड ये बंद करो यार गाइस देखिए कितना शानदार है अगर इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए ना ये बहुत अच्छी झील बन जाएगी यहाँ पे बोटिंग हो जाएगी लोगों के लिए सोचो कितना अच्छा बचपन होने वाला है आने वाली जनरेशन का कानू यहाँ पे रोड बनने तो दीजिए यहाँ पे तो मुझे लग रहा है एक मॉल वॉल भी खुलने वाला है बहुत बड़ा सा अच्छा सा इतना तगड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे यार एक्चुअली फ्लेवर है यार हर बंदे का देखिए उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये बनेगा साइड लेन और वो बनेगा मेन रोड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कैसे मिट्टी आप देखने में ऐसा लग रहा है कभी भी झड़ सकती है अगर यहाँ पे बरसात पड़ी ना बट इसलिए यहाँ पे पिलर वो रखे तो इसीलिए पिलर रोकने के लिए बना रहे हैं रोकने के लिए बना रहे हैं यहाँ पे देखो ये रोकने के लिए इधर की तरफ बना रहे हैं उधर नहीं बना रहे बट इसके बीच में कुछ भरेंगे कॉन्क्रीट भरेंगे जब भी काम चलता है तो सीजन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अब आने वाले टाइम में कुछ महीनों में बारिश बहुत ज्यादा पड़ेगी तो इनका टारगेट होगा जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाए बिकॉज ये ढह भी सकता भाई है। देखो मुंबई वाला रोड लग रहा है ना बगल में पानी और रोड के बगल में बिल्कुल पानी या, 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 या। ये बहुत जल्दी जन्नत में तब्दील होने वाला है यार जिस रोड पे चल रहे हैं दिस इज अ न्यू रोड तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी नई रोड है ये बगल में मतलब बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है ये और जो पहले कियोस्क यहाँ पे लगते थे ऊपर वो अब नीचे लगने लग गए नीचे लगने लग गए हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रुकता है बट क्योंकि ये शनिवार का दिन है तो शायद उसकी वजह से और फिर ये ऑफिस टाइम भी नहीं है इस वक्त करीबन 11 या 12 बजे हुए हैं तो ट्रैफिक का टाइम नहीं है अदरवाइज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है इस रोड पे पॉपुलेशन बहुत है दोस्तों इतनी दूर बीच में कुछ भरेंगे माल और उसके बाद फिर रोकने के लिए ऐसे खड़े करेंगे ओके नाइस देखिए ये रोकने वाले क्या डिज़ाइन होता है एक के ऊपर एक ये कैस्केडेड रहते हैं एक दूसरे में कैसे खांचे से बने हुए हैं पूरा का स्ट्रक्चर मज़ेदार तैयार हो जाता है ये जो पिलर खड़े हुए हैं इसमें वो बनेंगे मसाला अच्छा ऐसे ही आगे तक बनेगा पूरा कंस्ट्रक्शन एक्चुअली ये रोड कुछ दिन पहले तक तो बना नहीं हुआ था ये बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है जो भी काम हो रहा है बहुत सही हो रहा है बहुत फास्ट काम हो रहा है और मेन प्रॉब्लम इन बंदों की है जो ये उल्टे आते हैं ना की प्रॉब्लम है आगे ट्रैफिक वाले भी लगे हुए हैं लेकिन इनके लिए लेकिन ट्रैफिक वाले भी कहां तक रोके ने पहले इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जाता था यहां हर 2-3 साल में और मैं तो कहूंगा हर साल यहां पे क्या करते थे रोड का डिवाइडर तोड़ देते थे फिर उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करते तो बस ये CPWD वाले बस बिल फाड़ते पर ये वास्तव में कुछ बहुत ही ज्यादा मेजर जो काम हो रहा है दिस इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी सीधा रास्ता है पता है तुझे मोड़ ले काम कर यहां पे तुझे पता नहीं है वहाँ रोड की हालत अब क्या हो चुकी है अभी एक्चुअली ये दिल्ली यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद से यूपी लग जाएगा आगे आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे अब टोल का चक्कर तो नहीं पड़ेगा टोल का नहीं है यहाँ पे बट बनेगा बनेगा अच्छा अभी नहीं कटता ना पीछे है वो MCD का टोल है और वो उन्हें देने पड़ता है टैक्सीज को देने पड़ता है तो फ्रेंड्स हम अब यूपी में एंट्री करने वाले हैं अगर यहां है हमने एंट्री धन्यवाद दिल्ली में पुनः पधारें थैंक्स विजिट अगेन ओके तो वहां पे शायद बाउंड्री है दिल्ली की और यहां से हमें राइट को मुड़ना नीचे DLF और बंद कर दिया आगे से जाके मस्त फ्रूट की यहां पे दुकानें हैं और बड़े-बड़े पाइनएप्पल हैं पीने लेना है एक पाइनएप्पल भाई महंगा पड़ता है भाई ओके तो काफी महंगा पड़ता है पाइन एप्पल के खेत में जाएंगे वहां से लाएंगे आजादपुर मार्केट से 100 के 3 भी मिलते हैं सीजन यहां पे भी चल रहा है हमें यहां से यूटर्न लेना है और यहां से वैसे ओके देखो यहां पे भी मेट्रो का काम चल रहा है ओके ओके तो ले 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 फिर यूटर्न ले ले एक्चुअली यहीं से लिया कर या वहां से रिस्की हो जाता है ना थोड़ा क्योंकि वहां टेढ़े-मेढ़े ट्रैफिक बहुत है यहां पे स्टिल देयर इज अ गुड स्पेस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ओयो रूम भी है भाई हंस क्यों रहा है तू आजकल की यंग जनरेशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है देखिए ओयो बोलते हैं हंसने लग जाते हैं देखो हमें नीचे जाना है यहाँ से अच्छा तो ये दूसरा वाला टर्न है दैट्स नॉट करावल नगर टर्न नो ये यूपी ये यहाँ से यहाँ पे थोड़े फ्लैट वाले एरियाज हैं
जो कि रिलेटिवली अच्छा एरिया इन कंपैरिजन टू जो हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड से वीआर का रीजन है उससे थोड़ा सा बेटर है यहाँ पे और हाँ सही है, यहाँ थोड़ा खुला खुला स्पेस है और क्योंकि यहाँ से अब रोड बन रहा है मेन, तो यहाँ पे अब इस एरिया की चांदी हो चुकी है यहाँ पे और अभी भी सस्ते मिल रहे हैं अगर किसी को लेना है, अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या था थोड़ा सा ना लोगों को सिक्योरिटी की दिक्कत सी रहती थी कि इतना खाली होने की वजह से, लेकिन अभी ये भी देखो भर चुका है पूरा, अब ये भी धीरे धीरे भर जाएगा। और क्या लोग ही तो होते हैं, जब लोग ही बन के सोसाइटी बनती है, अब सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, तो आई थिंक ऐसा कोई कारण नहीं होने वाला है कि लोग ना बसें। फ्रेंड्स अगर कोई गालियाँ वालियाँ निकल गई हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, अब दलितियन है और वो ना हो तो फिर क्या ही बात है। फिर आप देख सकते हैं लोग हरकती ऐसी करते हैं, अगल बगल देनी पड़ती है वरना इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए दबा दबा के। यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बहुत सारे वो खुले हुए हैं और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तगड़ा दबा के। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो भी एक एरिया में जो एक कॉमन चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पे अब सारा का सारा पोटेंशियल, बिकॉज क्राउड है। अब यहाँ के जो बच्चे जाएंगे वो ज़्यादा दूर जाना तो प्रीफर नहीं करेंगे, अब हम ही चाहते हैं कि भाई हम मूवी देखने जाएं तो 2 किलोमीटर के अंदर हम एक थिएटर में पहुंच जाएं। तो एक मॉल तो यहाँ पे बनता है दोस्तों, मॉल यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए और बनेगा जल्दी के जल्दी। देखिए कितने ब्यूटीफुल होम है यहाँ पे, और ये आई थिंक ये साउथ फेसिंग होम्स हैं तो मैक्सिमम टाइम इनको सनलाइट मिलती है, और जब जहाँ सनलाइट मिले तो वहाँ तो लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों ही, मतलब दे आर वेरी वेरी हैप्पी पीपल्स, खुशहाली रहती है ज़िंदगी में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बट बीच बीच में प्लॉट भी आ रहे हैं ऐसे, पूरा जमा हो जाता है। क्या ये अभी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चलेगा ना, ये लोगों के पब्लिक प्राइवेट है, देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल का वो लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे DPS के बोर्ड लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे बैठा भी दिखे मैडम दो। ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।